देयर इज अ फेमस सॉन्ग कॉल्ड मुंह पे लगा ले ताला मैं झुकेगा नहीं साला। द सेम किस इज अप्लाइड हियर, एक ऐसा पर्सन जिसके लिए सभी ने अपने मुंह पे ताला लगा लिया। अ वेरी फेमस स्मगलर ऑफ इंडिया दाऊद इब्राहिम, ईयर 1993 मुंबई। एक ऐसा ब्लास्ट जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी, उस समय इससे बड़ा ब्लास्ट कभी इंडिया में हुआ ही नहीं था। एक ऐसा बम ब्लास्ट जो पूरे इंडिया को डर की दहशत में रखने के लिए काफी था। पूरे मुंबई में एक दिन में 12 बम ब्लास्ट हुए जिसमें 257 लोगों की जान चली गई। नंबर पे ध्यान दीजिए, 257, और 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रीजन दाऊद इब्राहिम। हु इज दाऊद इब्राहिम, अ टेररिस्ट, माफिया, स्मगलर या तीनों? दाऊद अपने शुरुआती समय में एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था, बट नाउ ही इज इंडियाज मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड माफिया। ये वही शख्स है जिसने इंडिया में हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू किया और कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। बट आखिर दाऊद इतना बड़ा माफिया बना कैसे? इंडिया में दो चीज चलती है, पहला क्रिकेट, दूसरा बॉलीवुड यानी सिनेमा। और दाऊद ने इस चीज को उसी समय समझ लिया था, और ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं था जिसको दाऊद ना जानता हो। इनफैक्ट उस समय रिलीज हो रही सभी बड़ी मूवीज में इन्हीं का पैसा लगा रहता था। वो अपने आप को इन मूवीज में ग्लैमराइज करके दिखाता था, जिससे कई लोगों ने तो उसको आइडल भी मान लिया था। बट 1993 में सीन चेंज हो गया था। वो रह गया था तो बस एक आतंकवादी जिसने कई मासूमों की जान ली। उसने ये हमला ISIS से मिलके प्लान करके किया था। बट आखिर दाऊद इब्राहिम ही क्यों? क्योंकि उस समय तो बहुत से गैंगस्टर इंडिया में थे। अब बात को समझो, दाऊद की पावर और मनी इन चारों चीज से आती है, पहला क्रिकेट, दूसरा पॉलिटिशियन, थर्ड बॉलीवुड एंड फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियन। दाऊद इन चीजों को इतना बैलेंस लेके चलता है कि कोई उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इन चारों चीजों से उसे पैसा, पावर एंड सपोर्ट सब मिल जाती है। पर क्या वो इतना बड़ा बन गया था कि इंडियन गवर्नमेंट उसे छू भी नहीं सकती थी? ऐसे बहुत से मौके इंडियन गवर्नमेंट को मिले थे दाऊद को मारने के लिए, बट ड्यू टू ईगो क्लैशेस बिटवीन डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया ऐसा कुछ हो ही नहीं सका। हर बार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। एक बार तो वो पुलिस के आने के 10 मिनट पहले ही फरार हो गया। करेंटली वो पाकिस्तान की कराची से ऑपरेट करता है, और हम सारे इंडियंस को इस चीज का बेसब्री से इंतजार है कब वो हमारे इंडियन जेल के पीछे रहेगा और 1993 में मरे लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। एंड ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग माई वीडियो, बट बिफोर यू लीव दिस वीडियो मेक श्योर डेट यू प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो।